प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता संभाले अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और इस दौरान वो 138 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का भारत में स्वागत कर चुके हैं। मोदी के 53 विदेश दौरों पर सवाल उठाने वालों को भी मानना पड़ता है कि इवेंट और मार्केटिंग में मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बात जब देश की आती है तो मोदी दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह प्रोटोकॉल की लकीर पर नहीं चलते, वो प्रोटोकॉल से आगे बढ़ जाते हैं। तभी तो अब विदेशी मेहमानों के कूटनीतिक दौरे भी दिल्ली तक सीमित नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर आए तो मोदी ने उन्हें भारत की झांकी दिखाने के लिए काशी का भ्रमण कराया। फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ गंगा में नौका विहार किया। फ्रांस के राष्ट्रपति को गंगा दर्शन कराने के साथ ही मोदी ने न्यू इंडिया की झलक भी दिखाई। उन्होंने मैक्रों के साथ सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी अब पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर हो चुके हैं कि वो कूटनीतिक दांवपेच में भी व्यक्तिगत दोस्ती का रंग भर देते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पिछले साल उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा कराया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब 2014 में पहली बार मोदी सरकार के मेहमान बने तो उनकी खातिरदारी भी मोदी ने दिल्ली के साथ साथ अहमदाबाद में की। आज भी लोग शी जिनपिंग और मोदी का साबरमती रिवर फ्रंट पर झूले पर चर्चा नहीं भूले हैं। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए थे तब उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में मोदी ने मुख्य अतिथि बनाया था। ओबामा के उस दौरे पर कूटनीति से ज्यादा चर्चा मोदी और ओबामा की दोस्ती की रही। मोदी ने ओबामा के साथ चाय पर चर्चा की और आकाशवाणी पर दोनों ने एक साथ मन की बात भी की। ये दोस्ती 2016 में मोदी के अमेरिका दौरे पर जारी रही। मोदी ने ओबामा के साथ मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल का भ्रमण किया जहां उनके लिए गाइड की भूमिका खुद ओबामा ने निभाई। पिछले साल इसराइल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने नंगे पांव जाकर समुन्द्र किनारे वो प्लांट भी देखा जो खारे पानी को मीठा बनाता है। फिर जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए तो मोदी के साथ अपनी दोस्ती के तोहफे के रूप में खारे पानी को पीने लायक बनाने वाली टेक्नोलॉजी भी साथ ले आए थे। कूटनीति की अपनी स्टाइल है, फिर भी विपक्ष ये सवाल बार बार उठाता है कि क्या इवेंट वाली डिप्लोमेसी करके मोदी कूटनीतिक तौर पर सफल रहे हैं। तो हमारे साथ इस बहस में जुड़ गए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नरेंद्र तनेजा जी, राजीव त्यागी जी जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, शिवशंकर मुखर्जी जी जो कि एक्स डिप्लोमेट है और स्मिता शर्मा जो कि एक पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले राजीव आपके पास आना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि आप लोग कहते हैं पीएम मोदी इवेंट बड़ा अच्छा करते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं। अगर अपने देश की मार्केटिंग कर रहे हैं तो बुराई क्या है? अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो बुराई क्या है, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति हैं। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बात और वो अपनी मार्केटिंग करे तो बुरा है, देश की करे तो वो अच्छा। तो आप देश की मार्केटिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। हाँ, दीजिए। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिना बुलाए पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाकर के उन्होंने हगिंग डिप्लोमेसी शुरू की, गले लगाने की डिप्लोमेसी। और गले लगाने के बाद 2015 से लेकर के उसके बाद पाकिस्तान का पठानकोट बेस पर जब अटैक हुआ उसमें भी आईएसआई आकर के पूरा भ्रमण करके गई। पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ देश में कि आईएसआई आने का काम हुआ। क्या पाकिस्तान को हम उसकी सीमाओं में बांध पाए? क्या पाकिस्तान से हम अपने सैनिकों की शहादत का बदला ले पाए? क्या पाकिस्तान को हमारे मेरा ये मानना है राजीव त्यागी जी, आप इसको कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। अभी भी सेना सीमा पर जब फायरिंग करती है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है। ऐसा नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है या चूड़ियां पहन के बैठा हुआ। आपका बहुत सम्मान, ये परसेप्शन बहुत, मैं आपका परसेप्शन आज भी लोगों में है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं एज ए वरिष्ठ पत्रकार। क्या आप किसी प्रधानमंत्री की निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं सन 47 से लेकर आज तक कि किसी प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद करे या गोली चलाए और हमारी सेना सत्यनारायण भगवान का पाठ करे? ये तो नहीं कहा होगा ना। सभी प्रधानमंत्रियों के दौरान सेना ने माकूल जवाब दिया। 71 में तो हम दो टुकड़े कर दिए थे, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ये पाकिस्तान का हाल। चाइना के साथ आपने झूला झूलने का काम किया, जो अभी आपने उसमें दिखाया था, आपने बकायदा झूला झूला। क्या लखवी को और अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराया यूएन में? क्या चाइना ने वीटो नहीं किया उस वाले मामले में? क्या चाइना से आपने प्राप्त किया?
अब आती है बात और जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे नेपाल है, नेपाल में भी जब क्राइसिस हुआ था पीछे तो आपने उसकी बिजली रोकने का काम किया और नेपाल धीरे धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया। मालदीव में जब सत्ता का संघर्ष हुआ और जब प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को आप बचा नहीं पाए तो चाइना का वहां इंटरफेयर हुआ। श्रीलंका में जाके चाइना फिर नीचे बैठ गया है। उसके बाद आप देखेंगे अमेरिका की बात करें, अगर आप अमेरिका में, आपने कहा था कि अमेरिका में ट्रंप आपके दोस्त हैं, हम मानते हो सकता है आपकी दोस्ती हो ट्रंप साहब से, हम स्वागत करते हैं इस दोस्ती का, हमें कोई दिक्कत नहीं, दोस्ती रखनी भी चाहिए एक राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से, लेकिन क्या H1B वीजा का इश्यू सॉर्ट आउट हो गया जिसकी वजह से हमारे जो टेक्नीशियंस हैं जो IT कंपनी के लोग भागे उनको फायदा होगा। अभी लेटेस्ट चाइना के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम स्टील पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये टकराव की जो राजनीति हो रही है और सिर्फ मार्केटिंग अपनी की जा रही है, चिंता का विषय है। लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, रशिया हमारा एक बहुत पुराना दोस्त हुआ करता था जिसपे हम एतबार करते थे, आज भी एतबार करते हैं, लेकिन रशिया जाकर के, रूस जाकर के, पाकिस्तान के साथ अगर जाकर के सेना अभ्यास करता है, मिलिट्री अभ्यास करता है, तो सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए हैं, अभी बहुत बहस लास्ट सेंटेंस 10 सेकंड। फ्रांस के अभी राष्ट्रपति महोदय आए हुए हैं, वो घूम रहे हैं, आपने रफेल सौदा करने का काम किया, उस रफेल सौदे में क्या ट्रांसपेरेंसी बरती गई इसके बारे में कहीं को जवाब नहीं। 41,000 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हुआ, वो 41,000 करोड़ रुपए क्या भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गए, किसके अकाउंट में गए, सरकार को बताना होगा। नरेंद्र जी जवाब दीजिए, इनके कई सारे सवाल है कि प्रधानमंत्री अपने मार्केटिंग तो कर रहे हैं, देश की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान चले गए। देखिए कांग्रेस का अपना, कांग्रेस तो नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, वो सब उसमें कोई दम नहीं होता। देखिए कोई फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो देश हासिल क्या करना चाहता है और कैसे हासिल किया जाए, ये डिप्लोमेसी होती है। पंडित नेहरू थे, उनकी अपनी स्टाइल थी, अब पूरी दुनिया कहती थी पंडित नेहरू ज्यादा मशहूर है, भारत कम मशहूर है, पंडित नेहरू का नाम हर जगह, भारत का कहीं 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 है। इंदिरा गांधी जी की अपनी स्टाइल थी और मैं उसका काहिल था, है ना, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं। अब हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, भारत की जो साख है, भारत की जो पहचान है, भारत की जो प्रतिभा है, वो कहां से कहां पहुंच गई है। आज यह हालत है कि दुनिया का हर बड़ा नेता दिल्ली आना चाहता है, प्रधानमंत्री का मेहमान बनना चाहता है, लाइन लगी हुई है उन लोगों की जो आना चाहते हैं और उनको हम समय नहीं दे पा रहे। और दूसरी बात यही वजह है कि क्योंकि भारत की साख कहां है, आज FDI भारत में हाइएस्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की है, PPP पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आज भारत बन चुका है। और आज यह है कि जो लोग आते हैं भारत के अंदर, उसकी वजह से यह है कि हमारा इकोनॉमी कहां जा रही है, हमारा साख कहां जा रही है, हमारा स्ट्रक्चर कहां जा रहा है, किसने बनाया ये, किसने बनाया। और आप देखिए अफ्रीका के 30 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भारत में आते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सिलसिले में ऐसे तमाम सम्मेलन होते हैं, तमाम वो होते हैं, भारत में आते हैं। देखिए जब भारत की प्रतिभा बढ़ रही है, भारत की शान बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत का कद बढ़ रहा है, उससे फायदा राहुल गांधी जी को भी होता है जब वो सिंगापुर जाते हैं या जब वो इटली जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, कद बढ़ता है, उससे हर भारतीय को फायदा होता है। और मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें जो होती है, पंडित नेहरू ने कुछ काम अच्छे किए हम स्वीकारते हैं, पंडित इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाया बहुत बेहतरीन काम किया, हम मानते हैं जो अच्छा काम है उसकी तारीफ करो। अच्छा दूसरी जहां कोई नहीं है, आप पूरी दुनिया में गा के बोल रहे हैं, सिंगापुर जाके बोल रहे हैं, इटली में जाके बोल रहे हैं, रफेल में पैसा खा लिया। अरे भाई आप तो खाने वाले लोग हैं, आपको जो हरा चश्मा पहनता है उसे हरा हरा दिखता है, इनको ये लगता है सब लोग खाते ही होंगे जो डील है, क्योंकि ये तो यही करते थे, तो ये इनकी संस्कृति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है डिप्लोमेसी में, देखिए जो नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की स्टाइल है, डिप्लोमेसी का तरीका, उसमें नरेंद्र मोदी अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हैसियत से जो भी कर रहे हैं वो भारत गणतंत्र के लिए कर रहे हैं और उसका फायदा राजीव त्यागी को भी हो रहा है, उसका फायदा राहुल गांधी को भी हो रहा है, उसका फायदा प्रियंका गांधी को भी हो रहा है, उसका फायदा सोनिया गांधी को भी हो रहा है, क्योंकि देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जब वो बढ़ती है देश को फायदा होता है। लेकिन कांग्रेस जो है उसको कैटरेक्ट हो गया है, कांग्रेस को कैटरेक्ट उनको दिखता नहीं है आजकल, तो इसलिए सिंपैथी मेरी उनके साथ है। मतलब एक कहावत है, गलत मत समझिए, कि जो सावन में दिखता है और उस टाइम पर उसकी आइस चली जाती है, उसको हरा ही हरा दिखता है, वही कहावत वो डिप्लोमेटिक ढंग से देखने की कोशिश कर रहा है। एक बात और है, एक शब्द है टेक्निकल वर्बल डायरिया, भारतीय जनता पार्टी उससे व्यस्त है, प्रधानमंत्री महोदय से लेकर के उनके प्रवक्ता तक, और उसी से मेरे मित्र भी शायद थोड़ा सा ग्रस्त है। मैं कंप्लीट कर दूं लेकिन आपके बीच में नहीं बोला, देखिए
त्यागी कांग्रेस का हर प्रवक्ता यही करता है। कंप्लीट कर दूं। देखिए आपने अभी तक चार साल का कोई भी एक अचीवमेंट बताया हो, यही करते हैं आप, नीलर यही करते हैं, सहमत पूरी दुनिया में जाके देश का नाम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं देश का। लेकिन आपने आप पूरी दुनिया में जाके और कोई सबूत नहीं आपके पास, कोई सबूत वर्बल डायरिया से की डिबेट, वर्बल डायरिया पूरी दुनिया में आप फैला रहे हैं, इस तरह की डिबेट दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं, भारत का नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र नजर जी, आपकी बात बहुत सम्मान के साथ, बहुत धैर्य के साथ राजीव त्यागी ने सुने, अब आप इनका तर्क भी सुन लीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। राजीव त्यागी 30 सेकंड में खत्म। मेरे मित्र ने रफेल डील का जिक्र किया, स्वयं कहा कि हमने कहा कि पैसा खाया गया। 526 करोड़ रुपए का जो विमान कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही थी उसको आप लेकर के आते हैं 1670 करोड़ रुपए में, और वही विमान आपको कहा बिल्कुल देखिए डसाल्ट का, डसाल्ट एविएशन का जो लेटेस्ट उन्होंने अपना पूरा ये किया है, एक वार्षिकी रिपोर्ट दी है, उस वार्षिकी रिपोर्ट को जाके देख लीजिए। 11 महीने पहले उसी विमान को डसाल्ट विमान को 1319 करोड़ रुपए में मिस्र को देते हैं और कतर को देते हैं। वही विमान आप सोच रहे कतर की डील अलग है, मिस्र की डील अलग, मान लिया चलिए, लेकिन हिंदुस्तान को 526 करोड़ में मिले। हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है। नो आइडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हुआ है, मेरे 5 सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। पहला सवाल, इतने सवाल एक साथ मत करिए, दो सवाल ये है कि 526 करोड़ रुपए का जो विमान कांग्रेस पार्टी ला रही थी उसको आप 1670 करोड़ में क्यों लाए, और देश को 41 करोड़ का नुकसान हुआ, वो पैसा कहां गया? क्या वो प्रधानमंत्री महोदय की जेब में गया, बीजेपी ने चंदा लिया? पहली बात। दूसरी बात, आपने बात टेक्निकल बात उठाई, उसका जवाब देता हूं। टेक्निकल जब आप बात करते हैं तो हमारे देश में एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके साथ अगर आप गठबंधन करते हैं बेहतर है, तो आपने रिलायंस के साथ क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। प्राइवेट प्लेयर्स क्यों आए? चलिए ठीक है, नरेंद्र तनेजा जी जवाब दीजिए, इसके बाद में स्मिता और शिवशंकर जी के पास मैं दीपक जी आपको जवाब देता हूं। जो रफेल के प्लान खरीदे गए हैं वो किस मकसद से खरीदे गए हैं, किस चीज की डिलीवरी के लिए खरीदे गए हैं, किस देश के लिए खरीदे गए हैं, वो सारे वो लोग जो सैन्य मसले समझते हैं वो आपको इसका जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप किसी चीज की कीमत बता देंगे, ये जहाज एक जहाज इतने का है, दुश्मन समझ जाएगा इसमें कौन कौन से यंत्र हैं, किस किस कौन कौन से यंत्र हैं, किस किस चीज से लेस है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस को इस देश से कोई मोहब्बत नहीं है, कांग्रेस तो बस एक किसी और देश का सोचती है, भारत का नहीं सोचती। वो ये चाहते हैं भारत की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लो, भारत के साथ कुछ भी हो जाए इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके नेता कहां जाते हैं इनको तो उससे ताल्लुक है। दूसरी बात, पूरी अगर आपके पास कोई सबूत है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो सबूत पेश करिए, वरना आप जो है आप, क्योंकि आप भ्रष्ट आदमी, अगर दूसरे को दुनिया में जाके वो बोलता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने करते रहिए, आज सुबह से शाम तक करते रहिए, कौन भ्रष्ट है, कौन सी पार्टी भ्रष्ट है, कौन सी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय यहां चलाती है, पूरा देश जानता है। ये सारी बातें आपके मुंह पे आएंगी और इस तरह से आएंगी कि आपका मुंह अग्नि से, उस अग्नि से, सत्य की अग्नि से ध्वस्त हो जाएगा, जल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, एक सवाल उनका, एक सवाल आपका, ठीक है। शिवशंकर मुखर्जी जी, मुझे यह बताइए कि आप क्या मोदी जी की इस ऑफ द मतलब आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लोमेसी को सफल मानते हैं एज ए डिप्लोमेट? देखिए, पहली बात तो ये है, अभी जो अभी तक जो डिबेट हुआ मैं इसको मानता हूं कि इससे भी क्लैरिटी आती है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी राय रखें, स्तुति करें, निंदा करें, इससे भी व्यूअर के लिए, आम आदमी के लिए काफी क्लैरिटी आती है, वो अपना माइंड मेकअप कर सकता है। मैं राजनयिक दुनिया की तरफ से बहूंगा, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे हैं, जो वही कर रहे हैं जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए, और वो है इंडिया का डिप्लोमेसी का सबसे पहला और आखिर ऑब्जेक्टिव होता है राष्ट्रीय हित को देखना, उसका सपोर्ट करना, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना, वो वही कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर एक प्रधानमंत्री, हर एक देश के हर एक लीडर इसमें सफल होते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ भी हद तक सक्सेसफुल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री उसी को फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग स्टाइल होता है, स्टाइल अलग अलग, पर्सनल एक स्टाइल होता है, वो आप कह सकते हैं एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है। हमारे प्रधानमंत्री पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत अहम मानते हैं दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट के साथ, और वो एक यूजफुल चीज है, वो 100% उससे रिश्ते मजबूत नहीं हो जाते, लेकिन जो रिश्ते मजबूत हैं वो और मजबूत बनते हैं, जो रिश्ते इनडिफरेंट हैं उसमें थोड़ा जोर आता है। अभी तक
अभी तकरीबन चार साल का जो रिकॉर्ड है, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक दुनिया इंटरनेशनल रिलेशंस की बात जो कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने उसको मीट करने में और जो हमारे ऑलरेडी गुड फाउंडेशंस हैं उसको और बढ़ाने में, मेरे ख्याल से अगर एक से अगर उसको पूरा एनालाइज किया जाए, एक से दस आप कह रहे हैं, मैं वो आंकड़े में नहीं जाना चाहता, बट रीजनेबली सक्सेसफुल रहे हैं, रीजनेबली क्योंकि भारतवर्ष का जो आजकल सिचुएशन है उसका फायदा उठाना चाहिए। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे कुछ लेवरेजेस हैं, उसका वो इस्तेमाल ढंग से करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा चीन, उसके साथ पार्टनरशिप्स बनाना, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक पे जोर देना, अमेरिका के साथ इस तरह का रिलेशन बनाना जो हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रशिया का, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि एक जमाना था लोग सोच रहे थे कि सोवियत यूनियन जब बिखर गया तो रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप थोड़े निग्लेक्ट हो गए। मेरे ख्याल से तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं निग्लेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन ट्रांजिशन में कुछ मुश्किलें थी, वो मुश्किलें भी आज एड्रेस हो रही हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं उनकी बातें गौर से सुनना चाहिए, लेकिन डिप्लोमेटिक व्यू पॉइंट से प्रधानमंत्री मोदी एक तो वही कर रहे हैं जो करना चाहिए भारत का नेशनल इंटरेस्ट, और उसमें काफी अरसे से उनका जो विजन है इंडिया के सिक्योरिटी का और इंडिया के प्रोस्पेरिटी का, जो दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, उसमें रीजनेबल काफी जोश दिखाया है उन्होंने, एनर्जी लगाई है, और भारत के जो लेवरेज पॉइंट्स हैं उसको ठीक तरह से मेरे ख्याल से इस्तेमाल किया है। स्मिता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मोदी की यह डिप्लोमेसी सफल हो रही है? मोदी के सामने चैलेंजेस कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? पहला ये, एनएसजी की सदस्यता उसे कब मिलेगी? मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने में सफलता कब मिलेगी? भारत के पड़ोसी देशों पर चीन का बढ़ता असर कैसे खत्म होगा? चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति से निपटने के लिए भारत क्या करेगा? चीन और पाकिस्तान की ओर से रूस का बढ़ता हुआ झुकाव भारत के लिए कितना का चिंता का विषय है? क्योंकि ये सारे सवाल मैं आप पे फेंक रहा हूँ, एक साथ फेंक रहा हूँ, गुगली फेंक रहा हूँ, आप इनको समझा पाए। दीपक, ये जितने आपने सारे नाम लिए ना, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो या सुरक्षा परिषद हो या मसूद अजहर का जिक्र हो या वन बेल्ट वन रोड, जो सबसे कॉमन इसमें एक थ्रेड है वो है चीन। देखिए, ऑप्टिक्स का कूटनीति में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑप्टिक्स, एक होता है सब्सटेंस। किस माहौल में बातचीत हो रही है, एक नेता का अपना पर्सनल स्टाइल क्या है, निश्चित रूप से इसकी एक अपनी अहमियत होती है। और आज विश्व के नेताओं को भी लगता है कि नरेंद्र मोदी ये पसंद करते हैं, इसीलिए न केवल नरेंद्र मोदी नेताओं का स्वागत एक खास अंदाज से करते हैं जब वो भारत आते हैं, बल्कि उनका भी स्वागत कुछ अलग तरीके से किया जाता है। जब वो फ्रांस गए हुए थे दो साल पहले, तब खुद उस वक्त जो राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद, उनके साथ नाव पर चर्चा वहां पर उन्होंने साइन नदी में की थी। जब शिंजो आबे आए थे वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में, आरती जो है बकायदा दोनों नेताओं ने बैठकर साथ में कुछ घंटों तक उस आरती को देखा था। देखिए, इन सबसे ये होता है कि माहौल तो अच्छा हो जाता है, ये दुनिया के दूसरे नेता भी आज की तारीख में कर रहे होते हैं। और आज दुनिया भर में अगर आप देखें, जो विदेश नीति है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से डिफाइन नहीं होता, वो नेता डिफाइन कर रहे होते हैं अपनी अपनी पर्सनालिटी से, भले ही वो शी जिनपिंग हो चीन में, व्लादिमीर पुतिन हो रूस में, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इमैनुअल मैक्रॉन खुद करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रांस में। लेकिन जहां तक सब्सटेंस का सवाल है, देखिए इसमें ये सवाल पूछना लाजमी है कि ये जो तमाम बातचीत हो रही है इसमें से नतीजे कितने निकल रहे हैं। फ्रांस के साथ जो आज की तारीख में जो लगातार हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, यहां मैं कहूंगी कि काफी ठोस बातचीत हुई है, जिस तरीके के समझौते सामने नजर आए, खास करके इंडियन ओशन में जो आज का सहयोग देखने को मिल रहा है। और फ्रांस देखिए वो देश है 1998 में जब परमाणु टेस्ट होने के बाद, पोखरण टेस्ट होने के बाद भारत पर देशों ने प्रतिबंध लगाया था, उसी साल जनवरी में तब जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे जाक शिराक, उन्होंने भारत के लिए बैटिंग की थी और कहा था कि भारत को परमाणु शक्ति नहीं दिया जाना, ये बिल्कुल भी जो है कतई सही नहीं है। तो ये अपनी अपनी जगह जरूर है, लेकिन भारत के लिए निश्चित रूप से आज दिक्कतें हैं। आज वो फ्रांस आपको अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मदद दे रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करे, वहीं रूस चुप रहना पसंद कर रहा है, रूस को लग रहा है कि पाकिस्तान को इसमें पनिश नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो पुराने समीकरण है वो निश्चित रूप से बदल रहे हैं और अपनी जो इमीडिएट नेबरहुड है
उसमें भारत की पकड़ एक बहुत बड़ी चुनौती है खुद नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जब वो आए थे विदेश नीति में उन्होंने कहा था कि नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी होगी, लेकिन आज नेबरहुड जो है सबसे ज्यादा एक कमजोर हालत में नजर आ रहा है। दीपा, बिल्कुल सही विश्लेषण किया, नेबरहुड एक समस्या है। इसी सवाल के पास मैं जाऊंगा हमारे आदरणीय नरेंद्र तनेजा जी के पास, और राजीव से भी यही सवाल पूछूंगा, क्योंकि पड़ोसियों का एक विषय उठाया था राजीव ने सबसे पहले, इसलिए उनके पास भी जाऊंगा, राजीव त्यागी जी के पास भी जाऊंगा, नरेंद्र तनेजा जी के पास भी जाऊंगा। पहले एक ब्रेक। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या मोदी की आउट ऑफ द बॉक्स या अलबेली कूटनीति सफल है, इसी पर बात कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं नरेंद्र तनेजा जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, राजीव त्यागी जी जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, शिवशंकर मुखर्जी साहब जो कि एक्स डिप्लोमेट है, और स्मिता शर्मा जो कि एक पत्रकार है। मैं राजीव त्यागी जी सबसे पहले आप थोड़ा छोटा कमेंट करिए क्योंकि आप इस पर बोल चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपने नेबरहुड के बारे में बोला, जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे भी चिंताएं बता रही हैं स्मिता, मैं भी उनकी बात से एग्री करता हूं, आपका क्या? अगर आप मेरा शुरू का कमेंट देखेंगे, मैंने ये चिंता जाहिर की थी नेपाल से लेके मालदीव से लेके श्रीलंका तक सबका जिक्र किया था जो पड़ोसी है हमारे, इवन बांग्लादेश भी हमारे आस पास, चीन तो हमें बहुत परेशान कर रहा है आज के समय में, जबकि झूला प्रधानमंत्री मोदी के साथ झूल चुके हैं। जापान जिसका भी जिक्र किया शिंजो आबे का जिक्र किया स्मिता जी ने, 2011 में कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने साइन किया, मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने साइन किया। 2013-14 में 6.81 भला मिलता, चलिए जैसे आप हम नेबरहुड की बात करें, हम नेबरहुड पे आते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, क्या जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी दी थी प्रधानमंत्री जी ने, वो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अब भारत के लिए उल्टी पड़ गई है? चाहे मालदीव को ले लें, चाहे श्रीलंका को ले लें, चाहे हम पाकिस्तान को ले लें, चाहे हम बांग्लादेश को ले लें, चाहे हम चाइना को ले लें, सभी के साथ हमारे पास कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम है। या तो चाइना उनका जवाब दे दीजिए, 526 करोड़ का राफेल आपने 1670 करोड़ में क्यों खरीदा? अभी हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा देखिए, उन्हें वो तो ये गाना गाते रहेंगे राफेल राफेल, यही करते हुए 44 से 4 सीटें हो जाएंगी, ये गाने से इनकी 4 सीटें होंगी, इंतजार करिए। खैर, 44 से 40 भी हो सकती है, इस मुद्दे में मत रहिए, अहंकार में मत रहिए प्लीज, जनता को जवाब देना पड़ेगा कि 40,000 करोड़ रुपए कहां गए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए चंदा ले लिया राफेल से, कि बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की 40,000 करोड़ का मामला है। देश आपने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पारदर्शिता होनी चाहिए, वो पारदर्शिता क्यों नहीं बरत रहे? हो गया त्यागी जी, हो गया त्यागी जी, देखिए रोज झूठ बोलने से आप नुकसान कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है इसमें त्यागी जी, इस तरह से टेलीविजन में झूठ बोल के आप लोग अपना मजाक उड़वा रहे हैं। नहीं बोलता हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अरे आपकी राजनीति, त्यागी जी आप राजनीति में ना हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे आप राजनीति में तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप कोई ऐसे हैवी वेट पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए, आपके जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, आप कह रहे थे कि उनको नहीं बोलने दिया गया, जब आप बोल रहे हैं अब आप ना ना ना, हम नेबरहुड पे बात कर रहे थे, हम नेबरहुड पे बात कर रहे थे, आप राफेल पे ले आए, नहीं आप राफेल पे पड़ोसी की जो बात है, नरेंद्र तनेजा जी, दीपक जी देखिए, जहां तक पड़ोसी देश की बात है, पहली बात यह है कि जापान हमारा पड़ोसी देश नहीं है, राजीव त्यागी ने नक्शा भूगोल लगता तो पढ़ा ही नहीं, जापान हमारा पड़ोसी देश नहीं, हमसे 8,000 किलोमीटर दूर का मित्र देश है। जापान का मैंने ट्रेड का बताया, एक्सपोर्ट का बताया, चुपना सीखिए, चुपना सीख लीजिए, अरे चुपना सीख लीजिए त्यागी जी, आपके काम आएगा, है ना, 4 सीटें जब होगी काम आएगा। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश को क्या मिला? अच्छा, जो देश को क्या मिला बताइए, आपको नमस्कार करूंगा, क्या व्यक्तिगत है इसमें? अच्छा, 4 सीटें हो जाएंगी तब बात करेंगे, कोई बात नहीं, आप चार भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देश को क्या मिला है बता दीजिए। बांग्लादेश, त्यागी जी आप मुस्कुराइए और खुश रहिए, 4 पे मिला के कोई खुश नहीं है, लेकिन बताइए देश को क्या मिल रहा है? अरे 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 देश ही को सब कुछ मिल रहा है त्यागी जी, आप लोग खा नहीं पा रहे, आपको दर्द ये है, आप लोग खा नहीं पा रहे, देश के कल्याण के रक्षा मंत्रालय के आप खा रहे हैं, और आरोप हम पर लगा रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं, मेरे पे आरोप हम पर लगा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, बोल ही नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए अभी तक, अरे न पड़ोसी देशों पे बोल पाए, जापान पे बोल पाए, न चाइना पे बोल पाए, यूएस पे बोल पाए, आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप सेकंड हाफ में आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे, इतना डोमिनेटिंग, ठीक है
देखिए हम व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप उन्होंने एक भी लगाया, उन्होंने झूठ नहीं बोलता। अच्छा आप, मैं मानता हूँ आप झूठ नहीं बोल रहे, 44 से 4 हो जाएगी, इसमें व्यक्तिगत क्या हो गया? कोई बात नहीं, आप बताइए, आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, है ना, आप अपनी शायरी करिए बैठ के। अच्छा दूसरी आपका देखिए, जहां तक हमारे पड़ोसी देश है, आज बांग्लादेश से हमारे बहुत मधुर संबंध है, पूरा दुनिया में उसकी चर्चा है। हमारे पाकिस्तान का पहली बार हुआ है, सन 1947 से पहली बार पाकिस्तान का गला घोट करके, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे उनके जो अंदर जो टेररिज्म, हमने उनका ऐसा गला घोटा उनको समझ में नहीं आया क्या, अंदर से पाकिस्तान टूट रहा है, तितर बितर हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान जो बचा कुचा भी है आपको शायद वो भी नजर ना आए। ये हमारी कूटनीति की जीत है, हमारी कुल मिलाकर हमारी जो स्ट्रेटेजी की जीत है। श्रीलंका से हमारे बहुत मधुर संबंध है, कौन नहीं जानता मधुर संबंध है। मालदीव के अंदर ठीक है चाइना का प्रभाव हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि वो प्रभाव चाइना ने क्या स्टेटमेंट दिया है, वो भी जानता है चाइना की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो मालदीव में आकर के हमसे टक्कर ले सके। मालदीव भी से भी हमारी सफल है बिल्कुल जो नीचे है। जहां तक स्मिता शर्मा ने जो बात करी है ठीक है, वो एक कई लोग आजकल बात कर रहे हैं, कई पत्रकार कर रहे हैं, लेकिन हमारी नेबरहुड पॉलिसी हो, चाहे हमारी अफ्रीका पॉलिसी हो, और चाहे हमारी जो बाकी कंट्री से पॉलिसी हो, आज जैसे भारत के संबंध है ऐसे इतिहास में कभी नहीं रहे। उसी का नतीजा है कि रोजाना दिल्ली में कोई ना कोई राष्ट्राध्यक्ष आया खड़ा होता है और उन लोगों की लाइन लगी हुई है जो आना क्यों आना चाहते हैं भारत आज, क्योंकि हमारी कूटनीति की जीत है। क्यों हमारी क्यों आना भारत से संबंध बनाना चाहते हैं? आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भारत की है। हाँ एक बात जरूर है, मैं त्यागी जी से सहमत हूं कि हम लोगों को पैसा नहीं खाने दे रहे, हम लूटने नहीं दे रहे, इसलिए त्यागी जी के पेट में दर्द हो रहा है। दर्शकों समझिए पेट का दर्द क्या है। आज शायरी नहीं निकल रही क्योंकि सब सारी शायरी बंद हो गई, क्योंकि घूस बंद हो गई है, उसमें जरूर हम त्यागी जी की बात सही, हमने घूस बंद कर दी। स्मिता मैं आपका आऊंगा, तो त्यागी आप जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से। देखिए बार बार वो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि 41,000 करोड़ पे पूरे जवाब नहीं दे रहे, कांग्रेस पार्टी घुसकारी है। सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। 17/11/2017 को रक्षा मंत्री महोदय ने, रक्षा मंत्री महोदय ने एक बयान दिया और ये कहा कि देश की सुरक्षा के लिए 36 रफेल खरीदने जरूरी थे क्योंकि एयरफोर्स को उनकी जरूरत थी। हम स्वागत करते हैं, एयरफोर्स को चाहिए भी, इसमें कोई दूरा नहीं, लेकिन 35 महीने बीतने के बाद भी एक भी रफेल विमान देश में नहीं आया है। तो आपने जो बात की थी, आपकी बात खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। हमने जो सवाल उठाए बहुत स्पष्ट हैं, 41,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को देश को नुकसान हुआ, वो किसकी जेब में गया? इसका प्रधानमंत्री महोदय जवाब नहीं पा रहे, दर्द देखो पेट में, और खिंचानी बिल्ली कम बन होते बार बार आप 40 से 4 पे, 40 से 4 आ रहे हैं, 40 की जगह भैया 40 से 4 आपकी छीन ली है, 4 साल में 4 आपकी छीन ली है, आप किसी का राजी नहीं, जवाब ले ले, इतना दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। नहीं हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, हमारा सवाल जवाब इसलिए हो रहा कि हमारे 41,000 करोड़ रुपए देश के चले गए तो दर्द तो होगा, हर देश के नागरिक को दर्द होगा। मैं समझता हूँ आपकी सिंपैथी, दर्द होगा माय डियर फ्रेंड, दर्द होगा हर व्यक्ति को, दर्द होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आप इस राफेल डील से आगे बढ़ते हैं। राजीव जी एक साल बाकी चुनाव में हम खूब राफेल की बात करेंगे, चिंता मत करिए, नरेंद्र जी से भी बात करेंगे, जवाब दिलवा दीजिए, अमेरिका में जवाब दिलवा दीजिए, जवाब सब दुनिया भर। अच्छा मैं शिवशंकर मुखर्जी जी से जवाब दिलवाना चाहता हूँ। सर बताइए जापान से क्या वाकई ट्रेड और हमारे संबंध डिटोरिएट हुए हैं जो राजीव त्यागी जी कह रहे हैं? आपका क्या एक्सपर्ट व्यू? देखिए आंकड़े के बीच में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ट्रेड रिलेशंस जो हैं ये इंटरनेशनल कॉमर्स भी एक डायनामिक चीज है, कुछ कारण होते हैं एक इकोनॉमी में दूसरे इकोनॉमी में। मुझे पता नहीं कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स घट गए हैं जैसे आपने कहा, शायद दूसरे देशों के साथ भी घटे होंगे क्योंकि अभी एक दो, जो 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 रीसेंट डिसीजंस लिए गए थे जिससे दो या तीन क्वार्टर्स में मेरे ख्याल इकोनॉमी को झटका लगा, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह, उससे पहले शायद, शायद वही मैं कह रहा हूँ, घटे होंगे सरकार की नीतियों के। लेकिन हमारे रिश्ते जो हैं जापान के साथ टेक्नोलॉजी के, कॉमर्स के और खासकर पॉलिटिकल, उसमें कोई घाटा नहीं आया है, वो रिश्ते अभी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ बायलैटरली नहीं। खुशी की बात यह है कि थर्ड कंट्रीज में, थर्ड कॉन्टिनेंट्स में, जैसे इंडिया जापान का कोऑपरेशन जो अफ्रीका कॉरिडोर के जरिए हो रहा है, ये बहुत ही अहम है अफ्रीका के लिए भी और जापान और इंडिया के कोऑपरेशन के लिए भी। ठीक है, तो हू लेट डाउन द पॉलिसीज फॉर जापान? देखिए सीईपीए कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक
पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 में कांग्रेस सरकार ने साइन किया था, उसको इससे आगे बढ़ते हैं राजीव जी, आपको डिप्लोमेसी की भी डिबेट में मैं खुद ज्यादा बढ़ाऊंगा क्योंकि आप काफी काफी पढ़ने लग गए हैं इसमें। तब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप मुझे निष्कर्ष के तौर पर बताइए कि इस डिबेट के बाद हम क्या कहें कि मोदी की 4 साल की इकोनॉमिक पॉलिसीज और देश को आगे ले गई हैं या राजीव त्यागी के मुताबिक पीछे ले गई हैं? आपका एक्सपर्ट कमेंट इस पर क्या है? देखिए, ये आंसर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता है, काफी ग्रे एरियाज हैं और दोनों के दोनों जो इस वक्त प्रवक्ता हैं वो काफी आक्रामक हैं, खासकर नरेंद्र तनेजा जी, जिनको मैं काफी लंबे वक्त से जानती हूं। तेल और ऊर्जा मामलों पर उन्हें हम विशेषज्ञ मानते हैं और वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं जब भी पत्रकारों ने उन्हें फोन किया है, लेकिन आज चूंकि अब एक पार्टी के साथ जुड़ गए हैं तो उनकी बैटिंग कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गई है। कुछ चीजें झट से मैं याद दिला दूं। नेपाल में 2016 में जिस केपी ओली की सरकार गिरने के पीछे भारत की रणनीति को माना गया था, आज वही केपी ओली वापस से सत्ता में बैठे हुए हैं। श्रीलंका में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, पूरे चांसेस हैं कि जिस राजपक्सा को सत्ता से गिराने के पीछे भी भारत का हाथ देखा जा रहा था वो राजपक्सा सत्ता में लौटने वाले हैं। पाकिस्तान को आप चाहे जितना भी आतंक के मामले में आप धो लें, लेकिन पाकिस्तान अपनी कूटनीति करने में जुड़ा हुआ है। आप हाल ही में आपने देखा होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बकायदा नेपाल जाकर केपी ओली के साथ खड़े थे। आज ईरान के जो शीर्ष नेता है, आज ईरान के विदेश मंत्री वो पाकिस्तान में अपनी बातचीत कर रहे हैं, अपनी रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हमने देखा कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने में भारत को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, हालांकि उस मोशन को खुद अमेरिका ने आगे बढ़ाया था जिसमें फ्रांस और जर्मनी का भी समर्थन था। तो मुझे लगता है कि आप एक प्रवक्ता के तौर पर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एग्जाजरेट ना करें, क्योंकि मुश्किलें जरूर हैं। नरेंद्र मोदी एक ऊर्जा, एक गर्मजोशी लेकर आए हैं, लेकिन ये कह देना कि पिछली सरकारों में कुछ काम हुआ ही नहीं, या जैसा नरेंद्र तनेजा ने कहा कि इसके पहले कोई बड़ा नेता नहीं आता था, 2005 में जब भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ उस वक्त प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, 2008 में जब परमाणु समझौता हुआ वो एक माइलस्टोन लीप था जिसने भारत को एक अलग क्लब में लाकर खड़ा कर दिया। और 2008 के नवंबर दिसंबर में मुझे याद है बतौर एक रिपोर्टर मैं थक गई थी क्योंकि 15 दिनों के अंदर जो हम P5 देश कहते हैं जिनके पास सुरक्षा परिषद में वीटो की ताकत है वो सारे के सारे देशों के शीर्ष नेता भारत में आए हुए थे। मनमोहन सिंह उन्हें कोई खास ऑप्टिक्स नहीं दिखा रहे थे, लेकिन ऑप्टिक्स की अपनी अहमियत होती है। फ्रांस को लेकर आज भारत जो कुछ कह रहा है, सौर गठबंधन की बात कर रहा है, सौर ऊर्जा पर एक लीडरशिप दे रहा है, ये बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज ऐसा इश्यू है जहां भारत एक नेतृत्व की पोजीशन में, नरेंद्र मोदी खुद उसे जो है एक आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ चीजें सही हो रही है, लेकिन जो चैलेंजिंग इश्यूज और खास करके चीन जो डोकलाम में हुआ, आज कुछ दिनों पहले ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाई डोकलाम में भले ही उस वक्त उस पोजीशन में ना हो लेकिन उससे कुछ मीटर दूर ही चीन आज अपनी फोर्टिफिकेशन कर रहा है। तो आप कंप्लीसेट नहीं हो सकते ये सोचकर कि भाई हमने सबकी बहुत अच्छी आहोभगत कर दी तो सबके साथ हमारे रिश्ते सुधर गए। ठीक है विस्मिता, मैं समझा आपकी बात कि डिप्लोमेसी कभी भी जीरो सम गेम नहीं होती है, उसमें 1+1 2 या 1-1 0 नहीं होता है, कभी 1+1 11 भी बन जाता है। इसी ही डिप्लोमेसी की कला कहते हैं और इसको कैसे किया जाए और इसको कैसे अचीव किया जाए इसका ध्यान हर सरकार में रखा जाता है। और विदेश नीति एक ऐसी नीति होती है राजीव त्यागी जी जो कंटिन्यूस होती है, सरकारों के साथ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उनमें होता नहीं है। मैं इस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। फिलहाल मेरी महाबहस में आज के लिए इतना ही, वक्त इतना ही है मेरे पास। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी हमारे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग कार का इंश्योरेंस तो कराते हैं पर लाइफ का नहीं। कार